हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू लेक्चर, दैट इज न्यू मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, ग्राफिकल मेथड, अच्छे से आ गया होगा। जो भी नहीं आता है डिस्कस करेंगे दोबारा से, अभी थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा ना। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, नाउ लास्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद एक छोटा सा मेथड है UV, वो कुछ नया मेथड नहीं है, इन्हीं से मिलकर बना है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो बच्चों, मैं सजेशन दूंगा कि इस मेथड को आप जो बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो बहुत बेनिफिट है, बड़ा मजा आता है, मगर छोटे छोटे क्वेश्चंस में इस मेथड को मत लगाना, क्योंकि लॉन्ग मेथड है, लेंथी मेथड है, आंसर सबसे सेम आना है। जब तक आपसे ना बोला जाए इस मेथड से सॉल्व मत किया करो। जब क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो कि नहीं आ रहा, उन बाकी मेथड से हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इससे किया करो, इससे बहुत आसान हो जाएगा फिर। तो इसके फायदे भी हैं, तो इसके नुकसान भी हैं। दूसरी चीज बच्चों, जो भी मैंने आपको वर्कशीट दी है अभी तक, फिफ्थ क्वेश्चन तक कराए हैं हमने, उसको करते रहिए। वो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड अपना ही है भाई, अच्छे से मेहनत करो। जिसको नहीं आ रहा पूछो कॉल करके या कैसे भी पूछो। अभी हम बहुत जल्दी आगे के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसे पढ़ लेना, इस एक्सरसाइज को करते ही आप हो जाएंगे कि वो 10 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सुनिए बेटा, मैं इसको आपको समझाऊंगा एग्जांपल 14 से, फिर आज आपको इसका होमवर्क देंगे, देन हम लोग ठीक है लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, दैट इज 3.6। अभी हम लोगों को क्या करनी है, 3.5 की स्टार्टिंग। तो बेटा एग्जांपल 14 क्या है, सुनते रहिए मेरी बात। फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, सुनते रहिए मेरी बात, बैंगलोर में एक बस स्टैंड है। इफ़ वी बाय टू टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज 46। देखो पहला केस क्या बोला है, क्वेश्चन सुनना, मैं क्वेश्चन उतार रहा, टाइम वेस्ट होगा, आप सुनना पूरी बात। सबके पास मैंने बुक सेंड कर रखी है। बैंगलोर में एक बस स्टैंड है, बैंगलोर में एक बस स्टैंड है, वहां में हमने क्या करा, बैंगलोर में, मैं बैंगलोर में रहता हूं, मैंने 2 टिकट तो किसके लिए खरीदी, हमने 2 टिकट खरीदी किसके लिए, मलेश्वरम के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े गंदे से नाम है, समझ जाओ। वी बाय 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई उस केस में बेटा, 46। इसी तरीके से दूसरी, पहले मैं कंडीशन लिख रहा हूँ फिर क्वेश्चन लिखेंगे। बैंगलोर में एक बस स्टैंड था, वहाँ मैंने 2 टिकट खरीदी मलेश्वरम के और 3 टिकट खरीदे यशवंतपुर के, तो टोटल कॉस्ट कितनी देनी पड़ी बच्चों मुझे, 46। वहीं अगर मैंने 3 टिकट मलेश्वरम के लिए खरीदी, 3 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, तो उस केस में जो मुझे पैसे देने पड़े बेटा, वो देने पड़े 74। टोटल कॉस्ट कितनी आई इसमें, 74। 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है, समझ लीजिए। मैं एक बार बताता हूँ, अगर सॉल्यूशन होगा तो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, अगर दोनों तरफ कट पिट के आ जाता है इक्वल वैल्यू, 40 इक्वल टू 40, एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल नहीं आती है तो नो सॉल्यूशन, पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट विल बी द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू दिस, सबसे पहले क्या मान ली, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू, मैं इरेज कर दूंगा इसे, इसे समझिए, मलेश्वरम बी एक्स, कितने की मान ली, 1 टिकट मलेश्वरम के लिए एक्स, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू यशवंतपुर बी वाई रुपीज, ठीक है, समझ जाओ, यशवंतपुर बी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 टिकट मलेश्वरम की, 1 टिकट की कीमत एक्स रुपीज है, तो 2 टिकट की कीमत कितनी होगी, 2x। 1 टिकट की कीमत यशवंतपुर की वाई है, तो 3 टिकट की कीमत कितनी होगी, 3y, एक की वाई है ना। टोटल कितनी दे रखी है कॉस्ट, 46, इक्वल टू में लिख दिया 46, टोटल कॉस्ट आ गई। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, 3 टिकट टू मलेश्वरम, 1 टिकट की एक्स है, तो 3 टिकट की 3x। 5 टिकट टू यशवंतपुर, 1 टिकट की वाई है, तो 5 टिकट की 5y किसके बराबर आ गई, 74। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पहले यहाँ तक देखो, किसको समझ में नहीं आया, जहाँ भी समझ में नहीं आया पूछो तुरंत, बेफिक्र होके, कोई दिक्कत ठीक।
मैं ऊपर का पार्ट इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसके पास आपके पास मेथड है, कोई से भी लगा सकते हो, मगर हमें कौन सा सीखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सुनिए, देखते हैं एक ही करते हैं दो करते हैं, समझने वाली मेन बात है, पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारी इक्वेशंस बनी है बेटा बेसिकली 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। अब ध्यान से सुनिएगा पहला स्टेप क्या है, सब ध्यान से सुनेंगे प्लीज, शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, अभी पहले करके देखो, फिर हैबिट हो जाएगी तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, इधर ले जाइए, माइनस का 46 बराबर हो जाएगा जीरो, यानी जो भी हमें आरएचएस वाला है वो एलएचएस में लगा के जीरो के खोले जाओ, इसकी कंडीशन। दूसरी क्या बन जाएगी, 3x प्लस 5y माइनस 24 इक्वल टू, याद रखना बच्चों हमेशा ऐसे करना है, हमेशा इधर वाले इधर ले जाओ। अब सुनना अगला स्टेप, इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, सुनना, B से स्टार्ट करके B पे ख़त्म, सुनते रहो जो बता रहा हूँ, B से स्टार्ट करके B पे ख़त्म, B1 अपॉन B2, B से स्टार्ट करेंगे B हमेशा, ऐसा करने के बाद सुन लो, पहले मैं तरीका बता रहा हूँ फिर करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन और, B1 अपॉन B2 इक्वल टू मत लगाना, बस लिखते रहो C1 अपॉन C2, B के बाद क्या आता है C, घूम फिर के क्या आ जाएगा A1 अपॉन A2 और लास्ट में दोबारे से B1 अपॉन B2। आपको पहले ये उतारना है माइंड में, सुनते रहो, मेथड लंबा है इसलिए सिखा रहा हूँ, आंसर सेम हो जाएगा इससे एलिमिनेशन से, मगर हमें सीखना है B से स्टार्ट करके B पे ख़त्म हमेशा, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, यानी B1 अपॉन B2 से स्टार्ट करा और B1 अपॉन B2 पे ख़त्म। अब इस पे एरो लगा दो, अभी समझाऊंगा क्या क्यों लगाया, ऊपर से जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से, B1 की C2 से B2 की C1 में, ऐसी C1 से A2 की तरफ एरो लगा दो, C2 से A1 की तरफ, A1 से B2 की तरफ, A2 से B1, हमेशा ऐसे लगाने एरो, समझाएंगे क्यों करा, B1 की C2, फिर यहीं से B2 से C1, फिर C1 से A2, फिर यहीं C2 से A1, A1 से B2, फिर यहीं A2 से B1। ऐसा करने पे जो फॉर्मूला बनता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, वो ये बनता है एक्स अपॉन, हमेशा दो वेरिएबल है ना एक्स वाई, तो x अपॉन, सुनते रहना मेरी बात, b1 की c2 में करेंगे तो क्या आएगा b1 c2, हमेशा बीच में आता है माइनस, b2 की c1 में करेंगे तो आएगा b2 c1, खत्म। अब लगा दो इक्वल टू y अपॉन, अब ये वाली पूरी हो गई, अब इस पे आओ, c1 की a2 में करेंगे तो क्या आएगा c1 a2, बीच में हमेशा क्या आता है मैंने बताया माइनस, c2 की a1 में करेंगे क्या आएगा c2 a1, इसे हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। जेड अपॉन, फिर a1 की b2 में करेंगे a1 b2, माइनस a2 की b1 में करेंगे a2 b1, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये, ठीक है, इसी को फॉलो करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, कैसे देखिए, ठीक है, क्या करा पहले उतार लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस 46 माइनस 74, इसके बाद B1 C2 से स्टार्ट करो, B1 B2 पे ख़त्म, B1 B2 से स्टार्ट B1, और एरो लगा दिए, एरो का मतलब मल्टीप्लाई करनी है क्या, B1 की C2 के साथ और B2 की C1 के साथ, फिर C1 की A2 के साथ, फिर C2 की A1 के साथ, A1 की B2 के साथ, A2 की B1, कैसे, पहले लिखेंगे x, क्योंकि x है y है, सुनना मेरी बात, सॉरी गलती से जेड लगा दिए, वन आएगा x अपॉन B1 C2 B2 C1, बीच में आएगा हमेशा माइनस, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1, तो यहीं से सोचो तो 3 की माइनस 74, 5 की माइनस 46, ऐसे कर लो, ठीक है। तो और याद रखना तीसरे में हमेशा 1 आएगा, अगर आप इसे इधर लगते तो इधर माइनस 1 लगाना पड़ता हमें, इसलिए मैं इसे इधर ले गया ताकि हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसे करने के बाद अब देखो ध्यान से, यहाँ समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ B, 3, V2 की वैल्यू क्या है 5, पहले लिख लो, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये मेन है, इसको तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्या आएगा पहले B1 अपॉन B2, 3 और 5, फिर माइनस 46 माइनस 74 यही आएगा, देन 2 अपॉन 3 एंड देन 3 अपॉन 5, यही आएगा मल्टीप्लाई, जैसे ही मैंने लगाया वही एरो लिख दिया मैंने, पहले वैल्यू लिख दी, अब x अपॉन
3 की 74 में मल्टीप्लाई कर दूँ, ये तो है b1 की c2 से मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा 3 × −74 बताओ 222, ये आएगा करके देख लो, ठीक है। बीच में क्या आता है माइनस, 46 की 5 में करोगे तो 5 6 30 0, 3 कैरी 230, कैसे माइनस 230, ये आएगा, खुद चेक कर लो कैसे। इसके अकॉर्डिंग b1 c2 − b2 c1 रटना नहीं है, b1 की c2 में करोगे तो ये आ गया, आप चेक कर सकते हो थोड़ी सी गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। 3 की 74 में करेंगे तो हमारा बेटा यही आएगा, ठीक है, कितना −222। बीच में क्या है माइनस आ गया, b2 की c1 में करोगे तो कितना आ गया 230, ठीक है, वो देखकर 5 से 30 0, 3 कैरी 230, और माइनस आएगा तो ब्रैकेट में माइनस बाहर है, इसका खुद का माइनस हो गया, इक्वल टू y अपॉन, समझ में आ रहा होगा मेरे आपको बात, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे, ठीक है, हम दोबारा से समझ लेंगे। 46 के किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 से, क्योंकि c1 a2, ये b1 b2 है, c1 c2 है, ये a1 a2, तो c1 की a2 में करेंगे तो कितना आएगा 6 3 = 18, 3 6 = 18 8, 1 कैरी, 3 4 = 12 और 13 कितना आ गया 138, आराम से चेक कर लो अगर किसी को दिक्कत है तो, 6 3 = 18 8, 1 कैरी 138, कोई दिक्कत, ठीक। कितने का कैसा आएगा वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस के प्लस में करेंगे माइनस, एक माइनस पहले से ब्रैकेट में लग जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है। अब C2 की A1 में कितना आएगा माइनस का 148, चेक कर लो माइनस का 148 यही आएगा, इक्वल टू में क्या है ये वाला वाली पूरी हो गई, ये भी हो गई, अब ये बचा है 1/2 की 5 में करेंगे 10 −3 की 3 में करेंगे 9, यही आएगा। देखो अगर किसी को दिक्कत है तो, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो मेरे से, क्या करा पहले इसके अकॉर्डिंग इन दोनों स्टेप को फॉलो करना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 b1 b2 3/5 c1 c2 46 74 a1 a2 2/3, 3/5 से स्टार्ट करा 3/5 पे खत्म, और फिर इस फॉर्मूला का कैसे बनाया, x/b1 की c2 में करनी है, b2 की c1 में, बीच में माइनस, c1 की a2 में −c2 a1 ब्रैकेट, ठीक है, a1 b2 − a2 b1, वही सॉल्व कर लिया मैंने, x अपॉन पहले 2 3 की 74 में यह आ गया, −5 की 46 में यह आ गया, इक्वल टू y अपॉन 46 की 3 में करी यह आ गया, 74 की 2 में करी यह आ गया, इक्वल टू 1/2 की 5 में करी 3 की 3 में करी। अब खत्म होने वाला है, देखिए सुनिए, x अपॉन, सुनते रहिए मेरी बात, अगर क्या लिखेंगे −222 + 230, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, खुद देखो, आप खुद देखो ना, −222 + 230 में से 222 गया 8, साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, सॉल्व करने पे बराबर −138 + 148 10 आ गया, चेक करते रहेगा कहीं गड़बड़ी ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन में कैलकुलेटर से या जल्दबाजी में कर रहे हैं, थोड़ी सी समझ लीजिएगा, −138 + 148 10 सही है वैसे कैलकुलेशन पूरी आपकी, इक्वल टू 1/1 यही होगा, आप खुद देखो क्या यही होगा नहीं होगा, सॉल्व करके नाउ, अब एक बार नाउ क्या करना है लास्ट स्टेप, अब एक बार तो इसको इसके बराबर रखो, एक बार इसको इसके बराबर रखो, एक बार तो x वाला इसके बराबर रखो, एक बार y वाला, जरा रखना x/8 = 1/1, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, आप खुद देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की x में करेंगे x, 8 1 = 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। अब एक बार y वाली वैल्यू इसके बराबर रख दो, y/10 = 1/1, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये मेरा क्वेश्चन हो गए, जिसको समझ में नहीं आया पूछो बताइए, ये हो गया x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 10, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म, इसे ही कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, खत्म। कैसे करा दोबारा सुन लो, पहले एक क्वेश्चन बनाए, याद क्या याद रखना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, फिर एक जगह पहले x लिखना है, फिर y, फिर 1, इससे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है, अगर आपने RHS में कराया तो यहाँ −1 आ जाएगा, ठीक है। तो x b1 c2 करेंगे, b2 की c1 में करेंगे, ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो जैसे मैंने करा है, c1 की a2 के साथ, c2 की a1 के साथ, a1 की b2 के साथ, a2 की b1 के साथ मल्टीप्लाई कर ली, ये वैल्यू लिख दी पहले हमने सारी, 3 की 74 में करी −222, बीच में माइनस, 5 की 46 में करी माइनस कितने 230, इक्वल टू y की 46 में 3 में करी 138, 74 की 2 में करी −148, बीच में माइनस आएगा क्योंकि हर बार माइनस आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू 1 आएगा क्योंकि 1 है फॉर्मूले में,
टू की फाइव में करी टेन, थ्री की थ्री में करी नाइन, सॉल्व करा, एक बार एक्स वाले को वन के बराबर रखा, एक बार वाई वाले को वन के बराबर रखा, दोनों की वैल्यू आ गई, मेरा क्वेश्चन खत्म। यही होता है बेटा मेरा क्या, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए, क्योंकि मैं इसका अगला एक एग्जाम्पल और देने वाला हूँ आपको, फिर आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सुनिए मेरी बात, ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सुनिए मेरी बात। ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल सा मेथड। अब इसके बीच में ये क्वेश्चन आ रहा है, आप सुनिए, एग्जांपल को सॉल्व करते चलते हैं ताकि अगली एक्सरसाइज हो जाए। देखिए एग्जांपल 15 क्या है, 14 मैंने आपको कराया था अभी, क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी। देखिए आपके पास बेटा दो इक्वेशन दे रखी है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा गया है, सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कि p की क्या वैल्यू होगी कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करे, इनकी इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन हो, बस यूनिक सॉल्यूशन, कि सॉल्व करने पे केवल कितना आंसर आए, एक आंसर आए। तो बताइए ऐसी क्या वैल्यू होगी p की। अगर ये इसकी जगह मैं बता सकता हूँ, यहाँ ये भी लिखा सकता है कि इनफाइनाइट, और ये भी लिखा सकता है नो सॉल्यूशन। तीनों मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में केवल यूनिक है, मैं आपको तीनों बता रहा हूँ कि अगर तीनों कंडीशन में ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करने को आती है तो क्या करेंगे। कल हमने वर्कशीट में करा था सॉल्व। तो बेटा पहले बात करते हैं किसकी, यूनिक सॉल्यूशन की, पी की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि दोनों को सॉल्व करने पर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यूनिक सॉल्यूशन की, याद हो तो आपको। What is the value of a1? 4. What is the value of a2? 2. Is not equal to what is the value of b1? P. What is the value of b2? 2. कोई दिक्कत? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो 2 is not equal to p upon 2. 2 multiply में चला जाएगा, तो p is not equal to 4. बस क्या मतलब है? कि p की वैल्यू 4 के सिवाय कुछ भी रख दो, चाहे 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 5 रख दो, 800 रख दो, लाख रख दो, बस 4 मत रखना, और हर वैल्यू पे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक आएगा हर बार। बस p की वैल्यू क्या आनी होनी चाहिए, 4, क्योंकि अगर 4 रख दी तो वो यूनिक सॉल्यूशन में नहीं आने का। आया समझ में मेरी बात, कि p की वैल्यू बस 4 नहीं होनी चाहिए, p इज नॉट इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई हो गई ना, बाकी कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। मान लीजिए अब आता है क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस, कि अगर मान लो जी हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी की जिससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, 4 अपॉन 2, p अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 2 जा 4, तो 2 4 जा 8, और दिक्कत यही तो होगा, जरा बराबर रखना बेटा क्या आएगा इसको। अगर इसके बराबर रखेंगे 2 इक्वल टू पी अपॉन 2, तो p की वैल्यू आ गई कितनी आपकी, 4। क्या p की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, हमने स्टार्टिंग के दोनों को इक्वल रख दिया, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी यहाँ पर आपकी p की वैल्यू क्या हो गई, 4, ठीक। और अगर हम इसको बराबर रखेंगे तो p अपॉन 2 इक्वल टू 4, दैट इज p इक्वल टू 8, p इक्वल टू 8। आया समझ में? तो इस केस में इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे दोनों वैल्यू पे, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। कोई दिक्कत, आप चेक कर सकते हो दोबारे से, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 4 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू p अपॉन 2, c1 अपॉन c2 8 अपॉन 2। सॉल्व करने पे p की वैल्यू एक आ रही है 4, एक बार आ रही है p की वैल्यू 8, तो 4 पे भी सही है, ठीक है, और 8 पे भी सही है, ठीक। तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए, यहाँ पर आपको दोनों की सॉल्व हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है तो पूछिए आप, ठीक। अगर ऐसे कोई, वैसे ये क्वेश्चन बन नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने बता दिया है ऐसे सॉल्व करेंगे, बट अगर आपको आएगा तो अलग से लिखा आएगा, क्योंकि इसमें केवल यूनिक सॉल्यूशन की बात बोली गई है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए, क्योंकि इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, आप खुद देखो 4 अपॉन 2 8 अपॉन 2, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई, ऐसे ही आप कोई से भी कर सकते हो सॉल्व, किसी को दिक्कत है तो बताइए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए बना था ये क्वेश्चन, से यूनिक लिख दिया है, मगर इनफाइनाइट के लिए आया कुछ क्वेश्चन, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हम लिख देंगे। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। यहाँ पर आपके सारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं,
ठीक है। 3.5 में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में यही करना है, दूसरे क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं करा चुका हूँ, तीसरे क्वेश्चन में भी यही करना है। तो आपका जो होमवर्क है वो स्टार्टिंग के आपको क्या करने हैं, 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 3.5 के, एंड क्वेश्चन नंबर 4th के ओनली 2 पार्ट्स, क्वेश्चन 1, 2, 3। तो ये आपका होमवर्क है, मैथ्स की वीडियो आएगी परसों, कल नहीं आएगी, तो उसने आपको टाइम दिया जा रहा है, आगे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना, अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिया है इनफाइनाइट वाला, मगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, रीजन क्योंकि उन्होंने पहले से ही कंडीशन किसके लिए बना के भेजा है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोल रखा है हमसे कि यूनिक सॉल्यूशन कराओ, और अगर हुआ तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ऐसे सिमिलरली नो सॉल्यूशन के लिए कोई दिक्कत। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल करिए, पूछिए, वर्कशीट सॉल्व करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो बार बार मेरे से कॉल करके पूछिए, ठीक है। क्लास, थैंक यू।